शटडाउन होने के बाद फिर इसको जो है बैटरी आपको इसमें खोल के भी दिखाएंगे कि वही बैटरी मेरा है जो कि मैं खुद से बनाया हूँ, जो कि बहुत 250 से 300 के आसपास में खुद से बना सकते हैं। दोस्तों मेरे पास इस लैपटॉप का जो ये बैटरी है, ये बैटरी खराब हो चुका है। यहाँ पर इसमें जो है इसका बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में जो है ये लैपटॉप बैटरी, इसको हम खुद से और कम प्राइस में कैसे आप मिनिमम जो है कम से कम में कैसे बना सकते हैं, और लैपटॉप में यहाँ पे इसका जो लैपटॉप का बैटरी है इसको हम खोल के भी यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा बैटरी लगा हुआ रहता है। इसमें जो है पावर बैंक का जो बैटरी है वो मेरे हिसाब से लगा हुआ होगा, तो अगर उसमें यही बैटरी होगा तो ये यहाँ पे जो हम इसमें इस बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि मेरा कम लागत में जो है ये मेरा लैपटॉप का बैटरी जो है तैयार हो जाएगा और इसको हम यूज़ भी करेंगे तो मेरा जो है परफेक्ट इसमें यूज भी होगा और अच्छा जो है बैटरी बैकअप भी रहेगा। तो चलिए इसको हम इसमें ये रिपेयर करके इसमें हम आपको दिखाते हैं और फिर देखते हैं ये मेरा काम करता है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास जो है ये लैपटॉप का बैटरी है और ये बैटरी जो है मेरा बैटरी इसमें काफ़ी पुराना बैटरी है, जिसके कारण इसका जो है बैटरी का बैकअप जो है बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो है ये लैपटॉप का जो बैटरी है वो खराब हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में जो है इसको हम यही कोई भी आपके पास लैपटॉप है उसका अगर आपको बैटरी कम से कम में आपको बनाना है तो कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। ये वीडियो को आप देख के इसमें जो है सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कम से कम में जो कि आपका यहाँ पे मान के चलिए इसमें जो है 200 से लेकर 250 के आसपास में जो है ये आपका मतलब लैपटॉप का बैटरी जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक ट्रिक से हम इसमें बनाते हैं और फिर इसमें हम देखते हैं कि इसका बैटरी बैकअप क्या रहता है और ये काम जो है कैसे करता है। तो पहले इसको हम अच्छे से इसमें हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके फिर इसमें इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है हिसाब से जो एक अंदाजा लगा है उसके हिसाब से कुछ इस तरह से जो बैटरी रहता है वही जो है इसके अंदर जो है लगा हुआ होगा शायद। तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे और इसमें चेक करके फिर यही बैटरी हम यहाँ पे लगा देंगे जो कि पावर बैंक का बैटरी है। और ये बैटरी जो है ये अच्छा बैटरी मैं यहाँ पे मार्केट से लाया हूँ, ये जो है 2600 mAh का है और ये जो बैटरी है टोटल जो है 4000 mAh का है। तो अगर यहाँ पे हम इसमें तीन बैटरी भी इसको हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे इसमें तीन बैटरी अगर आता है तो यहाँ पे जो है ये मान लो जो बैटरी बैकअप है काफ़ी जो है इसमें अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले इसको हम रिमूव करते हैं और फिर यहाँ पे रिपेयर करके हम इसमें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे से चिपका हुआ है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में थिनर दे देता हूँ ताकि जो गम है जो इसमें चिपका हुआ है कुछ ईजी तरीका से ये जो है रिमूव हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसा कि मैं यहाँ पे जिस तरह मैं सोचा था बिल्कुल जो है उसी तरह का जो है बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि मेरा जो है ये बैटरी जो है 100% ये वर्क कर जाएगा। तो इसको हम अच्छे से पहले इसको रिमूव करते हैं और फिर इसको फिर हम यहाँ पे इसमें बैटरी लगाते हैं। ये जो है यहाँ पे मैं थिनर दे दिया साइड साइड में, जिसके कारण जो है मेरा काफ़ी जो है आसान तरीका से जो है ये रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पर इस बैटरी में जो है यहाँ पर इस लैपटॉप के बैटरी में जो है टोटल जो है 6 बैटरी लगे हैं और ये बैटरी जो लगे हैं ये 3.7 वोल्ट का ही है। यहाँ पे हम आपको इसमें जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें जब भी इस तरह से आप कोई भी ओपनर यहाँ पे मैं ये ओपनर से यहाँ पे कर रहा था तो यहाँ पे जो है छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ था जो कि यहाँ पे मेरा जो है रिमूव हो गया है। हालांकि इसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ भी जब इसमें ओपनर करें तो ये ओपनर जो है ज़्यादा आपको अंदर नहीं ले जाना है, नहीं तो फिर अंदर का जो भी आपका सर्किट है उधर जो है वो आपका डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी इसमें बैटरी इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और यहाँ पर जो मैं न्यू वाला जो बैटरी लेकर आया हूँ ये बैटरी को जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा बैटरी था वो 4000 mAh का था और ये मेरे पास थोड़ा हैवी बैटरी, तो एक ही बैटरी जो 2600 mAh का है और ये जो बैटरी है ये मेरे पास जो है ये 1500 mAh का है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे जो है आपको सेट कर लेना है, आपको जितना लगाना है उसके हिसाब से लगा लेना है। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। लैपटॉप का जो बैटरी है ये 12 वोल्ट का है, यहाँ पर जो है इसमें जो मतलब 6 बैटरी जिसमें लगे हैं यहाँ 2, 4, 6, तो ये 12 वोल्ट का इसमें बैटरी है। तो ये जो है इसको जो है इस बैटरी को दो दो बैटरी करके जो है इसको यहाँ पे मतलब जो है सीरीज में इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस इधर प्लस इधर ये यहाँ पे ये इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे जो है पैरेलल में जोड़ा गया है, जिसके कारण इसका जो है यहाँ पे एम्पियर बढ़ जाएगा लेकिन जो वोल्ट है 3.7 ये रहेगा। और यहाँ पर जो चाहिए वो जो है हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह से करके जो है यहाँ पे दो दो बैटरी को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा है और फिर उसको जो है यहाँ पे सीरीज में कर दिया है, तब जाके जो है यहाँ पे 4, 8, 12 वोल्ट इस तरह से हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है और अब जो है माइनस का जो सिरा है यहाँ पे ये बैटरी के प्लस में जुड़ा है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखा दे, जैसे यहाँ
प्लस है, तो यहाँ पे इस तरह से प्लस और माइनस जोड़ देने से जो है सीरीज में हो जाता है, जिसके कारण जो है जो वोल्टेज है जैसे 3.7 वोल्ट है और यहाँ पे 3.7 है, तो 3.7 प्लस 3.7 लगभग 8 वोल्ट हो गया, तो कुछ इस तरह से, और फिर इधर 4 वोल्ट 12 वोल्ट जो है इस तरह से हो जाता है यहाँ पे इस तरह सीरीज में जोड़ने से। पहले दो बैटरी को पैरेलल में जोड़ा और पैरेलल में करके तीन बैटरी को जोड़ा और फिर तीनों पैरेलल को जो है सीरीज में कर दिया है, जिसके कारण जो है 12 वोल्ट हो गया। तो कुछ इसी तरह से जो है हमें भी यहाँ पे ये सारे बैटरी को बनाना होगा, तभी जाके 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट होगा, तभी जाके जो है ये मेरा बैटरी लैपटॉप का जो है 100% वर्किंग सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए कुछ मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ये बैटरी को जो यहाँ पे इसमें पहले स्क्रैच करेंगे, तब जाके जो है ये सोल्डिंग पकड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं स्क्रैच कर लेंगे कुछ भी ब्लेड की सहायता से, और फिर यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे तो फिर जो है मेरा इसमें सोल्डिंग अच्छे से पकड़े में आएगा। तो यहाँ पर जो है इस लैपटॉप को यहाँ पे चाहिए 12 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज जो है 12.6 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो है ये बैटरी 12 वोल्ट इसमें आउटपुट करेगी, तभी जाके जो है ये काम करेगा। तो पहले जो मेरा यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे सीरीज में जुड़ा हुआ था, जैसे दो बैटरी को यहाँ पे पैरेलल में किया, फिर इस तरह दो दो करके तीन जगह किया और फिर तीनों को जो है सीरीज में जोड़ दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे 3.7 वोल्ट है। तो ये आपका ये मान के चलिए 4 वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ, 12 वोल्ट हुआ, बिल्कुल इसी के जैसा जो है मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ये प्लस है और फिर ये दोनों को यहाँ पे प्लस प्लस को यहाँ पे जो मैं आपस में जोड़ दिया हूँ, और फिर जो है यहाँ पे मैं माइनस में जोड़ दिया हूँ, और फिर यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे इधर प्लस आया और फिर इधर जो है यहाँ पे माइनस में मैं जोड़ दिया हूँ। इस तरह से जो है मैं यहाँ पे सीरीज में कर दिया हूँ, और सीरीज में कर देने के बाद जो है यहाँ पे ये 4, 8, 12 वोल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से चेक करके देख लेता हूँ कि अभी जो है मेरा कितना आउटपुट इसमें वोल्टेज बता रहा है। तो अभी जो है मेरा यहाँ पे मल्टीमीटर में जो है ये 10 वोल्ट कुछ बता रहा है। यहाँ पे हम आपको इसमें चेक करके इसमें दिखाते हैं, तो देख सकते हैं अभी जो मेरा मल्टीमीटर में जो है लगभग 11 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि मेरा जो है इसमें वर्क कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम वोल्ट मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज है इतना, मतलब 12 वोल्ट तक। और ये यहाँ पे जो है इसको चलने के लिए जो है ये बैटरी थोड़ा कम चार्ज है, जिसके कारण वोल्टेज इसमें जो है थोड़ा सा और बढ़ेगा। और यहाँ पर ये इसमें वोल्टेज बताना चाहिए जो ये आपका लैपटॉप चलेगा वो जो है 10 वोल्ट के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.80 वोल्ट है, जो कि मेरा यहाँ पे इसमें जो है मेरा जो है मल्टीमीटर में लगभग जो है उतना है, तो यानी कि मेरा जो है काम हो जाएगा। अब ये तार जहाँ जहाँ से मैं यहाँ पे इसमें खोलूंगा उसी तरह जो है सेम यहाँ पे इस बैटरी में जोड़ दूंगा, तो फिर जो है मेरा ये वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले तार को। तो दोस्तों अभी जो है मेरा जो है बिल्कुल जो है ये अच्छे से पैक हो चुका है, और अभी यहाँ पर जो है पता भी नहीं चल रहा है, कुछ इस तरह से जो थोड़ा सा गैप रहा है यहाँ पे, मैं फेब्रिक से थोड़ा सा इसको चिपका दूंगा तो ये मेरा जो है मतलब अच्छे से चिपक जाएगा। पहले मैं इसको अच्छे से चेक करके देख लेता हूँ कि मेरा जो है ये 100% वर्किंग है या नहीं, और फिर यहाँ पे फिर मैं फेब्रिक से इसको जो है यहाँ पे जो गैप है इसको मैं चिपका दूंगा, तो फिर जो है ये सेफ रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा जो है इसमें चेक करने की बारी है, तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास जो लैपटॉप है जिसका मैं यहाँ पे बैटरी बनाया हूँ, देख सकते हैं अभी भी जो है इस बैटरी में जो मैं बनाया हूँ गैप है, और यही वाला बैटरी है। तो अब यहाँ पे इसको मैं चेक करके इसमें आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये मेरा जो है किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका जो है रिजल्ट रहता है। तो अभी जो है मेरा ये इसमें लग चुका है, अब यहाँ पर मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ। अभी जो है इसको मैं चार्ज इसमें लगा के पहले चेक करके इसमें देखता हूँ कि मेरा चार्ज ये उठाता है या नहीं उठाता है, क्योंकि ये जो है बैटरी मेरा चार्ज उतना नहीं है। तो अभी जो है मेरा लैपटॉप जो है ये ऑन हो चुका है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं और मेरा जो बैटरी का क्या रिजल्ट रहता है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरा जो है लैपटॉप ऑन हो रहा है।
तो यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप है ये HP कंपनी का, आपके पास कोई भी कंपनी का हो, किसी मतलब कोई भी ब्रांड का कंपनी का लैपटॉप हो, उसका अगर आपको बैटरी खुद से बनाना है तो आप बहुत ही कम दाम में ये बैटरी बना सकते हैं। ये जो मैं बैटरी बनाया हूँ ये यहाँ पे मैं मतलब 2500-2600 एमएच का बैटरी जो है 4 पीस लगाया हूँ और 1500 एमएच का जो है 2 पीस लगाया हूँ, जिसके कारण मुझे जो है टोटल जो लागत पड़ा है वो 320 रुपये बैटरी का लगा है। अगर आप सिर्फ 1500 एमएच वाला बैटरी लगाएंगे तो फिर जो है आपका और कम पड़ेगा, यानी कि आपका जो है 250 के आसपास 250 के आसपास जो है आपका 100% हो जाएगा उतना मैं हिसाब। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको पूरा ऑन होने देते हैं और बैटरी का चार्जिंग वाला क्या हिसाब रहता है, किस तरह से वो चार्जिंग बढ़ता है लेता है नहीं लेता है, सब चीज़ जो है इसमें हम पूरी डिटेल्स में चेक करके आपको इसमें बताने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है मेरा ये चार्जिंग जो यहाँ पे सो बिल्कुल जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, चार्जिंग आने के ले रहा है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी जो मेरा बैटरी जो है वो 7% यहाँ पे चार्ज बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 7% अवेलेबल, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मेरा जो है चार्ज इसमें ले रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते हैं मेरा जो है इसमें चार्जिंग वाला परसेंटेज जो है बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों ये जो इस लैपटॉप का जो मैं बैटरी बनाया था वो 100% मेरा यहाँ पे ये वर्किंग है और ये परफेक्ट जो है वर्क कर रहा है, कहीं पर कोई जो है इसमें मतलब दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर बैटरी का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, मैं पहले यहाँ पे इसको लगाया था तब जो है 7% था, अभी कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं 12% हो गया है, कुछ देर पहले जो है 7% था अभी जो है 12% हो गया है। और अभी जो है इस लैपटॉप में चार्ज मैं यहाँ पे लगाया हूँ, चार्ज मेरा इसमें ले भी रहा है देख सकते हैं। और अब यहाँ पर इसका चार्जर मैं यहाँ पे रिमूव करके दिखाऊंगा और फिर देखते हैं ये लैपटॉप मेरा जो है किस तरह से काम करता है। तो देख सकते हैं अभी जो है मैं चार्जर इसका रिमूव कर दिया हूँ, ये रहा चार्जर, और ये लैपटॉप जो है अभी मेरा बैटरी के मतलब बैटरी की वजह से ही चल रहा है, बैटरी के कारण मेरा लैपटॉप जो है चल रहा है। और यहाँ पर ये 100% वर्किंग है। अब यहाँ पर इसको हम शट डाउन करके इसमें जो बैटरी मैं यहाँ पे जो बनाया था वही बैटरी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वही बैटरी है या फिर दूसरा बैटरी है। तो अभी जो है मेरा ये शट डाउन हो रहा है, तो शट डाउन होने के बाद फिर इसको जो है बैटरी आपको इसमें खोल के भी दिखाएंगे कि वही बैटरी मेरा है जो कि मैं खुद से बनाया हूँ, जो कि बहुत 250 से 300 के आसपास में खुद से बना सकते हैं। अब 1000-2000 मतलब अब यही आप बैटरी ऑनलाइन में लेंगे तो आपका जो है 2000 से 3000 के आसपास में लगेगा, और कोको मॉडल का बैटरी आपके जो है आपका हो सके नहीं भी मिलेगा, तो आप खुद से जो है बहुत ही कम पैसा में इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम आपको दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे बैटरी बनाया हूँ वही वाला है, और इसका जो कवर जो है वो सही से मेरा यहाँ पे इसमें नहीं चिपका हुआ था क्योंकि खोलते समय थोड़ा बहुत तो लॉक टूट ही आता है। तो देख सकते हैं वही बैटरी है जो कि यहाँ पे मैं बनाया हूँ, देखिए सेम वही बैटरी है और ये 100% वर्किंग है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला होगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जुगाड़ आपको कैसा लगा नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे मेरा जो गैप है वहाँ पे मैं फेविक्विक इसको दे दूंगा तो अच्छे से मेरा जो है चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये टेस्ट हो गया, चेक हो गया, अब यहाँ पे मैं फेविक्विक देखिए इसको चिपका के अच्छे से मैं यूज करूँगा जो कि मेरा परफेक्ट और 100% वर्किंग है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।